तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑल ऑपरेटर क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एनी ऑपरेटर हम लोग कैसे यूज करते थे, तो उसी तरह से सेम तरीका होगा आपका ऑल ऑपरेटर भी यूज करने का। तो ऑल ऑपरेटर में भी सेम जो होता है इक्वल टू, और इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इज इक्वल टू होगा, और इक्वल टू लेस देन होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन होगा, नॉट इक्वल टू होगा। तो ये सब जो ऑपरेटर्स हैं इसके ऊपर ऑलरेडी जो एनी ऑपरेटर काम करता था, उसी तरह से आपका ऑल ऑपरेटर भी यहाँ पे काम करेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है उसको हम लोग एक समझते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो ऑल एनी ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्यूरी, तो दोनों का क्यूरी जो है वो सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एनी में आपको एनी लगाना है और ऑल में ऑल लगाना है। और यहाँ पे एक और डिफरेंस है, जो ऑल ऑपरेटर है ना वो आपका काम, सॉरी एनी जो ऑपरेटर है वो आपका काम करता है और के जैसा। मतलब कि कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू दिया है, ठीक है, यहाँ पे 30,000, 40,000 एंड 50,000 मैंने दिया है। तो एनी ऑपरेटर में क्या होगा कि जो सब क्यूरी होगा वो कोई भी इसमें से अगर मैच कर जाएगा तो उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू कर देगा, मतलब रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए तो दिस रिटर्न्स एम्प्लॉय हुई सैलरी ग्रेटर देन एटलीस्ट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ग्रेटर देन एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन वैल्यू, ठीक है। तो अगर कोई भी मैच कर रहा है तो रिजल्ट दे देगा। जैसे 30,000 अगर मैच कर गया तो भी दे देगा, 40,000 अगर मैच कर गया तो भी दे देगा, या फिर 50,000 दे देगा होगा तभी दे देगा। लेकिन इसमें क्या होता है ऑल में, कि इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी क्यूरी रिटर्न करेगा, जितने भी वैल्यू को, सबके साथ ही मैच करेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो एनी है वो आपका काम करता है और के जैसा, और जो ऑल है वो आपका काम करता है एंड के जैसा। तो यहाँ पे जैसे 30,000, 40,000, 50,000 अगर है, ठीक है, तो जो सैलरी है वो तीनों के साथ मैच करना चाहिए। अगर तीनों से ज़्यादा वो ग्रेटर देन है तब उसका रिजल्ट देगा। तो इसलिए बात यह है कि अगर 30,000 अगर ट्रू होता है उसके बाद वो चेक करेगा क्या 40,000 है, तो लास्ट में जो ग्रेटर देन 50,000 है, अगर ग्रेटर देन आप चेक कर रहे हैं तो लास्ट में यहाँ पे चेक करेगा आपका 50,000। अगर लेस देन आप चेक कर रहे हैं तो चेक करेगा 30,000, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें एनी और में, आई थिंक आपको समझ में आया कि एनी में आप और के जैसा काम करते हैं, कि कोई भी अगर वैल्यू मैच करता है एटलीस्ट एक भी वैल्यू मैच करना चाहिए। लेकिन आपका ऑल में क्या होगा कि सारे वैल्यू आपका यहाँ पे मैच करना चाहिए। अभी हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल का स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है, इससे जो स्ट्रक्चर है मैंने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक बार इसको रन कर लेता हूँ अपने पोस्टकेस में, और यहाँ पे मैं इसको रन करके पेस्ट कर दूँगा, और जस्ट मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो क्यूरी यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मुझे रिफ्रेश करना होगा। मैं इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश, और मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल गया है। अभी मैं इसको अगर व्यू कर लूँगा ऑल रो को, तो यहाँ पे मुझे सारे जो हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या क्या है तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है और प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे तो जो कैटेगरी है उसमें दो ही है, पहला कैटेगरी है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा कैटेगरी है यहाँ पे अप्लायंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्लायंसेस, तो यहाँ अप्लायंसेस। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के साथ हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं कि जैसे कि हमको वो प्रोडक्ट का नेम और प्राइस चाहिए जो प्रोडक्ट का कैटेगरी हो अप्लायंसेस, ठीक है, और जो प्राइस हो इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब हमको फाइंड करना है उस इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट को जिसका प्राइस अप्लायंसेस के प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे तो सिलेक्ट फ्रॉम, मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम, ओके, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा प्रोडक्ट नेम कॉमा, मुझे चाहिए इसका प्राइस, ठीक है, और फ्रॉम मैं दे दूँगा टेबल का नेम, ये सब आपको पता है प्रोडक्ट्स फ्रॉम, और मुझे कैटेगरी किस कैटेगरी का चाहिए, तो मुझे कैटेगरी का चाहिए इसका मुझे कैटेगरी चाहिए इसका जो अप्लायंसेस है उसका, ठीक है। तो अप्लायंसेस का कैटेगरी का मुझे प्राइस चाहिए और नेम चाहिए।
तो यहाँ पे मैं दे दूंगा ओके। एंड इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए, एंड प्राइस यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो ग्रेटर देन चाहिए, ये प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ऑल यूज करूँगा और ये होना चाहिए सेलेक्ट प्राइस, फ्रॉम प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो यहाँ पे कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया कि ये क्यूरी क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखें, एक प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे सबसे पहला क्यूरी मेन क्यूरी क्या बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट लेके आओ और उसका प्राइस लेके आओ जो प्रोडक्ट टेबल से हो, जिसका कैटेगरी अप्लायंसेस हो, और प्राइस जो हाई हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के प्राइस से। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे एक एरर आ रहा है फ्रॉम ओके ओके, यहाँ पे फेयर चलेगा। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, तो हाँ प्राइस इज ग्रेटर देन होगा प्राइस ओके, सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, ठीक है। एक बार हम लोग देखते हैं शायद डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो ग्रेटर देन में नहीं ले रहे हैं, है ना, ये ग्रेटर देन शायद कोई इसका वैल्यू नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ब्लेंडर का आ रहा है आपका 100, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि 100 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिसका प्राइस हो वो सबसे कम हो अप्लायंसेस का। अभी मैं उल्टा कर दिया है क्यूरी को, तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट और प्राइस चाहिए जिस जो कैटेगरी से हो और जिसका प्राइस हो सबसे कम हो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख ले इलेक्ट्रॉनिक का सबसे कम में क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक का सबसे हाई जो प्राइस है वो है आपका लैपटॉप का, जिसका प्राइस है आपका 1200, ठीक है। और जो सबसे कम है वो आपका हेडफोन्स का, जिसका प्राइस है आपका 150 रुपये, 150 रुपये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो अभी मतलब जो सबसे मिनिमम है हम लोग का 150 से कम होना चाहिए आपका अप्लायंसेस में, वही रिजल्ट आएगा। तो 150 से आपका कम जो है वो 100 आ रहा है, जो आपका यहाँ पे ब्लेंडर का है, ठीक है। तो जो इसका यहाँ पे रिजल्ट परफेक्ट दे दिया है, लेकिन जब इसको मैं हाई करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए तो डेटा ही नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक का जो हाई वैल्यू है आपका 1200 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1200 से ज़्यादा कोई भी प्राइस नहीं है, इसलिए इसने इसका रिजल्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं ऑल में। तो आपने जैसे देखा कि ये सबको लिए यहाँ पे ये चेक कर रहा है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एनी को लगा देता था, यहाँ पे एनी, तो सारे वैल्यू को आपको चेक करता, जो भी इस वैल्यू से मैच करेगा उसका यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे देखिए तो सबके साथ ही ये मैच कर जाएगा, क्योंकि जो प्राइस है वो कम होना चाहिए अप्लायंसेस का इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1000 है ये भी मिल जाएगा, तो अप्लायंसेस का सारे भी यहाँ पे वैल्यू मैच हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसका रिजल्ट दे दिया है। तो ऑल और एनी में यही आपका डिफरेंस है बेसिकली, कि एंड जो है वो फाइनल वैल्यू के साथ कैलकुलेट करता है, मतलब एंड लगाता है बीच में, जबकि एनी आपका वहाँ पे और लगाता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया कि ऑल का ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं आप पोस्टग्रेस में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। और नीचे मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, अगर आप वहाँ पे चाहें डोनेट करना है तो आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।